देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र भगवंत नगर के बीघापुर विकास खंड में गढ़ेवा के एक पुल बना था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जो कटरी क्षेत्र को फतेहपुर की ओर जोड़ता था। और उस पुल में जो कोठियां थी उसमें सिल्ट जमा था। लगातार वहां के किसान सिंचाई विभाग के लोगों से मांग कर रहे थे कि अगर इनकी सिल्ट साफ नहीं की गई तो जल्द यहाँ पर कोई आकस्मिक दुर्घटना घट सकती है। लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं की। उसका परिणाम यह हुआ कि उन सिल्ट जमा होने के कारण धारा का प्रवाह बदल गया और पूरी खेती 500 बीघे लगभग खेती वहाँ पर जलमग्न हो गई। वहाँ के किसान हमारे खड़े हैं, हमारे साथी जो किसान सुबह अपने खेतों पर बुआई कर रहे थे, एक घंटे बाद कटान में उनकी सारी खेती चली गई है। तो हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर इस बात को मांग करने आए हैं कि अतिशीघ्र पुल का निर्माण हो और जो सिल्ट जमा है उसका वहाँ से साफ किया जाए, और जो दोषी कर्मचारी है जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है उन पर भी कठोरात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। क्योंकि किसान एक तरफ फसल की लड़ाई आवारा पशुओं से लड़ रहा है, एक तरफ उनकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, और एक तरफ इस घोर लापरवाही से 500 बीघे जमीन जब काश्तकार की चली जाएगी, सरकार इनको तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराए, सरकार इनकी जमीन की पैमाइश कराकर जल्द से जल्द इनकी जमीन को वापस कराए, और सरकार इतनी मजबूत व्यवस्था करे कि हम लोग कल वहाँ पर घटना स्थल पर गए थे, बाईं तरफ थोड़ा सा हिस्सा कगार के रूप में बाकी है, अगर वह कगार फट गई तो मुझे लगता है लगभग 1000 बीघे जलमग्न हो जाएगी जमीन। इन मांगों को लेकर हम आज आए हैं और इस सरकार की निंदा करते हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिन शानदार पुलों का निर्माण किया था, जिन शानदार सड़कों का निर्माण किया था, सरकार उनका रखरखाव नहीं कर पाई, सरकार उनकी उपयोगिता को नहीं ले पाई। उसका परिणाम है कि लाखों करोड़ों रुपए की खेती का नुकसान हमारे इन गरीब किसानों का हुआ है। और समाजवादी पार्टी जनपद अध्यक्ष उन्नाव का अध्यक्ष होने के नाते मैं इन किसानों को भरोसा दिलाता हूँ कि इनकी उपज, इनकी लागत, इनकी जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार से कराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अगर सरकार इनका उचित मुआवजा नहीं देगी, ये संतुष्ट नहीं होंगे तो समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव एक बड़ा आंदोलन करके इन किसानों के हितों की रक्षा करने का काम करेगी।